मस्जिद पर विवाद अभी थमा नहीं है कि यूपी की फिजाओं में एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। ये विवाद है ताजमहल से जुड़ा। बता दें, हिंदूवादी और साधु संत ताज में शिव मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, तो हिंदूवादी के इस दावे के खिलाफ अब प्रिंस तूसी भी मैदान में आ गए हैं। मंदिर होने के दावों पर हमला बोलते हुए प्रिंस ने संत परमहंस आचार्य और उनके शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा प्रिंस तूसी ने अपने हमले में। तो ये ज्ञान बापी मस्जिद में दिन बा दिन इसके बयान भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं उसके खिलाफ में भी कम्प्लेन कर रहे हैं। फिल वक्त जो कम्प्लेन हमने इस कथित सेल्फ प्रोक्लेम जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं जगत गुरु बताते अपने आप को, जो इसके खिलाफ में हमने कम्प्लेन की है और आगरा आईजी या डीआईजी से हमने कल बात की है, इसके खिलाफ एफआईआर बना और एक बार इसको जेल को भेजा है। क्योंकि एक बार ऐसे लोग जेल को जाएंगे तो इनकी जो हवस है कि पब्लिसिटी ताज को लेकर, एक मॉन्यूमेंट को लेकर अपनी पब्लिसिटी करें, लोग उनको जाने, और तो इस तरह के देश में वह माहौल हिंदू मुसलमानों का आपस में एक नफरत पैदा करने के वास्ते जो नया खिलाफ कर रहे हैं, इनके खिलाफ में इनको जो है जेल को भेजा है, इनके पर जल्द से जल्द उनके ऊपर एफआईआर बनाकर ज्यादा से ज्यादा जो है इनके पर सख्त से सख्त कानून किया जाए। दरअसल हिंदू साधु संतों ने ताजमहल में मंदिर होने का दावा करने के साथ ही वहां पूजा करने की अनुमति मांगी और इसी पर हैदराबाद के रहने वाले प्रिंस याकूब आफिरुद्दीन तूसी का कहना है कि मुगल उनके वंशज है। ताजमहल यूनेस्को में ऐतिहासिक इमारत के तौर पर दर्ज है। ताजमहल की पच्चीकारी पर स्वास्तिक निशान बनाकर उसका वीडियो वायरल कर विवाद खड़ा कर दिया गया है। अयोध्या के परमहंस आचार्य ताजमहल पर आमरण अनशन की धमकी दे रहे हैं। बता दें, पिछले कई दिनों से संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ताजमहल जाकर वहां मंदिर होने के सबूत का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों तो संत ने शौचालय के पास लगी फोटो गैलरी से भगवान श्री कृष्ण की फोटो हटाने की मांग भी की थी और मांग पूरी न होने पर अनशन करने की धमकी भी दी थी। उधर संत मत्स्येंद्र गोस्वामी के खिलाफ तहरीर भेजी गई है। मामले में प्रिंस तूसी का कहना था, ताजमहल नेशनल मॉन्यूमेंट है, यहाँ कोई भी खड़ा होकर हंगामा करेगा फेमस हो जाएगा। साधु संतों को पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई शंका है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जबकि एक बार पहले ही हाईकोर्ट ताजमहल पर दाखिल की गई याचिका खारिज कर चुका है। भाईचारा मिटाने वाले जगत गुरु नहीं हो सकते। यही नहीं, विवाद पर प्रिंस ने आगे कहा कि अगर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। ऐसे में ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।